न्याय अध्यक्ष श्री मेहता व बोर्ड सदस्यों के समक्ष न्याय सचिव श्री वीरेंद्र सिंह चौधरी ने विकास कार्यों के एजेंडा वार प्रस्ताव रखे। बोर्ड बैठक में पाली शहर की विकास व सौंदर्यीकरण के लिए 397.53 लाख के कुल 13 प्रगतिरत विकास कार्यों को जो कि पूर्व में स्वीकृत किए गए थे उनका बोर्ड बैठक में अनुमोदन किया गया। बोर्ड बैठक में नगर विकास न्यास की ओर से प्रभावी पैरवी करने हेतु अधिवक्ताओं को प्रति मुकदमा 5,000 रुपये की राशि व विधि विभाग की गाइडलाइन के अनुसार करने का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर अध्यक्ष व सदस्यों की स्वीकृति के पश्चात अनुमोदन किया गया।